नमस्कार, मैं रविश कुमार। यूनिवर्सिटी सीरीज का 24वां अंक आप देखने जा रहे हैं। भारत में इस बात के अनगिनत प्रमाण हैं कि शिक्षा ने लाखों लोगों को गरीबी और जाति के शोषण से मुक्त किया है, मगर अब वही शिक्षा हमारे भीतर नई तरह की असमानता पैदा करती जा रही है। यूनिवर्सिटी सीरीज के तहत हम इस सवाल से जूझते रहे कि आखिर किसी को पता क्यों नहीं चला और किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता है कि कॉलेज बर्बाद हैं तो हमारे आपके बच्चे भी बर्बाद होंगे। इसका एक कारण है, जो तबका पहले अमीर हुआ वो पढ़ाई की कीमत जानता है, इसलिए लाखों नहीं करोड़ों पढ़ाई पर खर्च करता है। 2-2 करोड़ डोनेशन देकर मेडिकल में सीट खरीदता है और लाखों रुपए देकर बच्चों को विदेश भेज देता है। उसे पता चल गया है कि इन कॉलेजों में उसका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। जिन्हें नहीं पता है वो अभी भी पूरी जिंदगी की कमाई लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा यहाँ के कबाड़ हो चुके कॉलेजों में पहुंच जाए, जहां ना मास्टर है ना पढ़ाई का स्तर है। आपको पता ही नहीं है कि बच्चे की पढ़ाई पर आपकी 10-15 साल की मेहनत और लागत दोनों लुटने जा रही है। दोनों को पता नहीं है, ना अमीर को ना साधारण को, इसलिए बोलेगा कौन और फर्क किसे पड़ेगा। लक बाई चांस से सफलता को छोड़ दीजिए तो ये देखिए कि 100 में से 90 बच्चों को कैसे कॉलेज दर कॉलेज घटिया मास्टरों को रखकर और नहीं रखकर बर्बाद किया जा रहा है। जून में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में चपरासी के लिए 92 पदों की वैकेंसी निकली हरियाणा में, जिसके लिए 22,000 आवेदन आ गए। आवेदन करने वालों में MPhil, MBA और MA पास किए लोग भी शामिल थे, जबकि चपरासी के लिए 8वीं पास होने की योग्यता ही रखी गई थी। यूपी विधानसभा के लिए 2015 में चपरासी के लिए 368 वैकेंसी आई और 368 वैकेंसी के लिए 23 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। इसमें 255 PhD, 1.5 लाख BTech, BCom, BSc की डिग्री लिए थे, 25,000 MSc, MCom और MA पास लोगों ने आवेदन किया था। मुझे मालूम नहीं कि 368 पदों के लिए आवेदन करने वाले वे 23 लाख बेरोजगार इन दिनों क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी पे रो रहे हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या टीवी पर हिंदू मुस्लिम डिबेट में बिजी हैं या एक और डिग्री लेने की लाइन में लग गए हैं। किसी यूनिवर्सिटी में आप 5 से 7 साल गुजारते हैं तब भी आप किसी नौकरी के लायक बनकर नहीं निकलते हैं, और लायक होते हैं तो नौकरियां नहीं निकलती हैं। यह बात आपको अभी से ठीक 10 साल बाद समझ में आएगी, 2027 में, कि राज्य दर राज्य की यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए नेताओं ने क्या बढ़िया प्रोजेक्ट चलाया। 2027 से पहले 2022 में भी इसका आपको पता नहीं चलेगा। आप लोन लेकर, पेट काट काट, ऑटो रिक्शा चलाकर, रिक्शा चलाकर, रात दिन खटकर अपनी अपनी नौकरियों में यही सोच रहे हैं कि आपके बच्चे ने ठीक से पढ़ाई नहीं की इसलिए नौकरी नहीं मिली। यह बात एक हद तक सही है, बहुत जगह शिक्षक इंतजार करते हैं और बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं, मगर यह बात भी सही है कि शिक्षक है ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि अमीर भारतीयों के बच्चे कहां पढ़ते हैं? 14 नवंबर के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आंकड़ा छपा, उसे देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपको नेता क्यों दिन रात नकली सपने दिखाते हैं। भारतीय छात्रों ने 2016-17 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में $6.54 अरब खर्च किए। भारतीय रुपए में इसका कन्वर्ट कीजिए तो यह राशि 42,835 करोड़ हो जाती है। भारत की उच्च शिक्षा का कुल बजट, पूरा बजट 25,000 करोड़ है। भारत की उच्च शिक्षा के बजट से करीब दुगनी राशि भारतीय छात्र अमेरिका में निवेश कर दे रहे हैं। 2015-16 की तुलना में 30% ज्यादा है, मतलब उसके 2015 के साल में। एक तरह से इन छात्रों ने बिल्कुल सही किया, वरना यहाँ के कबाड़ कॉलेजों में बर्बाद हो जाते। 20 साल से तो मैं यही देख रहा हूं कि वही हर साल जब एडमिशन का टाइम आता है 12वीं के रिजल्ट के बाद, वही स्टीफेंस, वही हिंदू, इन्हीं का गुणगान चलता रहता है। 5 कॉलेज हैं ये, वही IIT, वही IIM, 10-20 की गिनती पर पहुंचकर हमारी गिनती समाप्त हो जाती है। इन्हीं 10-20 कॉलेजों को फिर से गिनने का एक नया झांसा प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसे अंग्रेजी में रैंकिंग कहते हैं। जब कॉलेज किसी लायक नहीं है, मास्टर नहीं है, तो उनकी रैंकिंग किसे बताई जा रही है? वही IIT, वही IIM को फिर से गिना जाएगा और भ्रम पैदा किया जाएगा कि देश में शिक्षा की हालत सुधर गई है। सोचिए, करीब 3 लाख भारतीय छात्र सिर्फ अमेरिका में 42,835 करोड़ का निवेश कर देते हैं और हमारी उच्च शिक्षा का बजट इसका आधा है। सिंगापुर से लेकर यूरोप के देशों में भारतीय छात्रों का कितना निवेश है उसका तो हिसाब इसमें शामिल ही नहीं है। भारत के कॉलेजों को कबाड़ में नहीं बदला जाता तो अमरीकी कॉलेजों को इतना बड़ा बाजार नहीं मिलता। यह खेल भी आपको 2027 के बाद समझ में आएगा, 2022 में नहीं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक महिला शिक्षिका ने मैसेज किया। वो 9 साल से एडहॉक पढ़ाती रहीं, लेकिन जब वे गर्भवती हुईं तो आखिरी दिनों तक पढ़ाना पड़ा। ऑपरेशन से बच्चा हुआ और 14वें दिन के बाद वो क्लास में उन्हें हाजिर होना पड़ा, क्योंकि मातृत्व अवकाश जो एडहॉक पढ़ाते हैं महिलाएं उन्हें नहीं मिलती है। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह हाल है तो आप कहां जाकर सर पीटेंगे। 14 नवंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडहॉक शिक्षकों ने कुलपति कार्यालय पर हल्ला बोल कार्यक्रम किया। लोगों की उपस्थिति को देखकर लगता है इन शिक्षकों को ही अपनी लड़ाई में यकीन नहीं है। 4000 एडहॉक शिक्षक बताते हैं, मगर कभी इनके आंदोलन में 400 भी नहीं देखा। अब तो इनके 2 गुट हो गए हैं और होंगे ही। इनकी असुरक्षा किस काम आएगी आखिर दिन। पहले वही राजनीतिक दल इन्हें बेरोजगार बनवाते हैं और फिर इन्हें बांटकर अपना सामान बनाते हैं। एक गुट ने 9 नवंबर को प्रदर्शन किया, एक गुट ने 14 नवंबर को। आंदोलन के भीतर भीतर विचारधारा और जाति के आधार पर भी जुगाड़ बिठाने और नौकरी देने का खेल दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कहीं भी ये चलता है। किसी में साहस नहीं है कि इस डोर को छोड़ दे, काट दे, तो जाहिर है उनके आंदोलन की यही नियति होनी है, बटना है। कई प्रोफेसरों ने अपने चेलों को नौकरी दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दी, किसी काबिल को बाहर कर दिया। जाति और धर्म का खेल आप जानेंगे तो चक्कर आ जाएगा। 14 नवंबर के हल्ला बोल की अगुवाई कर रहे शिक्षक नेताओं का कहना है, एडहॉक शिक्षक नेताओं का, कि दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने अध्यादेश 13A लाकर पहले भी एडहॉक शिक्षकों का समायोजन किया है। हजारों पद ऐसे हैं जिन पर 10-10 साल से इंटरव्यू नहीं हुआ। अदालत के कई आदेशों के बाद भी इंटरव्यू नहीं हुआ। कुछ पर तो होते भी रहते हैं, मगर ज्यादातर सीटों पर इंटरव्यू की प्रक्रिया फॉर्म भरने के साथ ठंडी पड़ जाती है। उम्मीद से मैं इस लाइन में आई थी कि सबसे अच्छा जॉब है फीमेल के लिए और पढ़ाई के साथ जिंदगी भर का नाता रहेगा, लेकिन इस एडहॉकिज्म के चक्कर में पढ़ाई का तो वक्त ही नहीं मिलता है। तो जितना हम सोचे थे अपना रिसर्च वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो हम कर नहीं पाए। और सबसे बुरा तो ये लगता है, 7 साल में इतने बच्चे हमने पढ़ाए हैं, वही बच्चे अब फिर हमारे साथ आके पढ़ा रहे हैं। और वो बोलते हैं, मैडम अभी तक आप एडहॉक हैं, अब आफ्टर 40 इयर्स तो हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है कि हम किसी और फील्ड में जाएं। बड़ा जो खामियाजा है वो ये कि हमें मैटरनिटी लीव नहीं मिलता और कैजुअल लीव के लिए भी हमें TIC की परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर वो हमसे नाराज़ है या हमें पसंद नहीं करती है तो वो भी परमिशन हमें नहीं मिलती है कि आप लीव नहीं ले सकती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, और हम अपने बच्चों को भी वक्त नहीं दे पाते। छोटे छोटे बच्चे हमारे, चाहे वो बीमार हैं या कोई और दिक्कत है, तो भी हमें बता करके भी लीव नहीं मिलती है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल रंजिश निकालती हैं इसमें। तो जो ये जॉब चले जाने का जो डर है, उसमें हमें सब कुछ दांव पर लगा करके काम करना पड़ता है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या और पिलाएंगे क्या। दिल्ली सहित भारत के अनेक राज्यों में ठेके पर पढ़ाकर शिक्षकों ने शिक्षा के बजट पर एहसान किया है। वे आधे अधूरे पैसे में ना पढ़ाते तो शिक्षा के इतने कम बजट में कॉलेजों में दरबान भी नहीं मिलते। कई राज्यों में तो ये शिक्षक महीने में 20,000 से भी कम की सैलरी पर पढ़ाते हैं। 10-10 साल की नौकरी हो गई इनकी और ये लगातार गरीब हो रहे हैं। इनकी राजनीतिक चेतना भी इसी के साथ समाप्त हो रही है, हो भी चुकी है। इसलिए कभी नहीं देखा होगा आपने कि राजस्थान के एडहॉक शिक्षकों का साथ दिल्ली वालों ने दिया, या झारखंड या मध्य प्रदेश के ठेके के शिक्षकों ने दिल्ली के ठेके के शिक्षकों का साथ दिया। यह भी सही है कि खोलकर प्रदर्शन करेंगे तो जो नौकरी है वह भी चली जाएगी। आप इन शिक्षकों के बीच सर्वे करेंगे तो इनमें से ज्यादातर टीचर न्यूज चैनलों पर वही डिबेट में बिजी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम वाला। इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, मगर हकीकत को देखने का नजरिया इन्हें अभी तक नहीं मिला। कई कॉलेजों में प्रोफेसरों ने जमकर क्वालिटी के मापदंड की धज्जियां उड़ाई हैं। इसलिए इन शिक्षकों में कोई राजनीतिक चेतना नहीं है, जुगाड़ चेतना है। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पीले रंग की टी शर्ट पहनकर ये छात्र ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी चलो अभियान चला रहे हैं, मगर ध्यान बार बार पीले रंग की टी शर्ट पर चला गया। नियत अच्छी होने के बाद भी छात्रों की यही नियति है। आंदोलन के प्रति यकीन इतना कमजोर हो गया है कि सारा जोर कम्युनिकेशन पर ही है कि खबर में कम से कम तो दिख जाए। उन्हें भरोसा नहीं है मीडिया पर क्योंकि आंदोलन को कोई दिखाएगा। अखबार में खबर छपी, ट्विटर पर हैशटैग चला और आंदोलन खत्म। रंग रोगन कर मैनेजरों ने राजनीतिक दलों को बदला और अब कस्बों और कस्बों के आंदोलनों को भी चमका रहे।
मगर जरूरी है कि इन छात्रों में यकीन पैदा हो कि अपने शहर की यूनिवर्सिटी की खराब हालत को ठीक करना ही है। ये काम न तो एक दिन में होगा न एक महीने में। इन्हें अपनी मांगों को भी समझना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग कर रहे हैं, मगर उससे क्या होगा? क्या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसकी हालत अच्छी है, जहां शिक्षक हैं भरपूर? किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 30% पद किसी भी समय आपको खाली मिलेंगे और राज्यों की यूनिवर्सिटी में 50% खाली मिलेंगे। वाइस चांसलर ऐश करने का पद हो गया है। कॉलेजों में मुख्यमंत्री का स्वागत करना और मंत्री को माला पहनाने से ज्यादा किसी के पास कोई काम नहीं है। अच्छी बात है कि ये नौजवान शुरुआत कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि क्लास नियमित हो, रिजल्ट टाइम पर आए, कोर्स की नई किताबें हो और छात्रावास की व्यवस्था हो। मिथिलांचल की इस यूनिवर्सिटी पर हमने यूनिवर्सिटी सीरीज में चर्चा की थी। मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में 57 प्रोफेसर होने चाहिए थे, 43 खाली हैं। एलएनजे कॉलेज झंझारपुर में 37 में से 31 पद खाली हैं। देर से ही सही मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने पहल तो की, अगर वे इसी तरह टिके रहे तो क्या पता नतीजा भी निकल आए, मगर ऐसा ना हो कि वाईफाई लग जाए और प्रोफेसर ना आए। फिलहाल पहले दिन के हिसाब से तो यही लगता है कि इनकी तैयारी सफल रही है। इन छात्रों को भी समझना पड़ेगा कि रंग में पीले रंग की टी शर्ट और झंडे पर इतना पैसा खर्च ना करें, अपने कन्विक्शन अपने यकीन को ज्यादा बड़ा करें, गहरा करें। देखिए 15 नवंबर 2017 हमारा जो आहूत कार्यक्रम था विश्वविद्यालय में व्यवस्था के खिलाफ, विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ, विश्वविद्यालय में अनियमितता के खिलाफ, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ विशाल छात्र रैली, इस छात्र रैली में हमारे नेपाल की तराई से, गंगा की घाटी से, कोसी की घाटी से हजारों की संख्या में छात्र आ रहे हैं। कुछ भी नहीं है सिस्टम इस विश्वविद्यालय में जिसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और हम आए हैं उस विद्यालय के लिए कि वही चीज़ हमारे लिए हो, छात्र संघ का चुनाव हो, हमारा छात्र सत्र नियमित हो, रिजल्ट को पूरा किया जाए, समय से दिया जाए। वही दरभंगा में ही छात्र संगठन आयसा ने मिथिला यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन किया। आयसा ने चंडीगढ़ से लेकर कोलकाता तक छात्र युवा अधिकार यात्रा निकाली है। 7 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच ये यात्रा यूपी, बिहार और बंगाल के कई शहरों से होकर गुजर रही है। आरा, मुजफ्फरपुर के कॉलेजों में भी यह यात्रा पहुंची है। इसमें आयसा की सुचेता डे हैं, जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, अब नहीं है। इनका नारा है, शिक्षा नहीं रोजगार चाहिए, नफरत नहीं अधिकार चाहिए। इन नारों में यह भी झलकना चाहिए कि कॉलेज के कॉलेज शिक्षकों से खाली हैं, महिला लड़कियों के कॉलेज में शौचालय तक नहीं है, टीचर को वेतन नहीं मिल रहा और पढ़ाई की क्वालिटी बहुत खराब है। समस्या यह है कि हर जगह छात्र संघ के चुनाव बंद हो चुके हैं। जहां होते हैं, जेएनयू को आप छोड़ दें, तो वो चुनाव प्रबंधन के ही ज्यादा होते हैं। छात्र राजनीति को अपने कॉलेजों की हालत से खुद को जोड़ना होगा, वरना पीला और लाल रंग के आंदोलन तो गुजर जाएंगे, असर नहीं होगा। ये यात्रा जिस तरीके से एक बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स इस उत्तर भारत के इस पूरे एरिया में हम लोगों को मिल रहा है, गर्मजोशी से इस यात्रा का स्वागत हो रहा है जगह जगह शहरों में, यूनिवर्सिटीज़ में ये जो नारा है नफरत नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए, इसका ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है यूनिवर्सिटी से और कई सारे स्टेट से गुजरते हुए। और हमारी यात्रा का रिस्पांस बहुत ही अच्छा हम लोगों को मिल रहा है। जिस तरीके से जिन यूनिवर्सिटीज़ ने लड़ाई किया, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटीज़ हो, अलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ हो, जिस तरीके से सरकार ने पूरा शिक्षा में एक फ़ी हाइक का पूरा दौर चला रखा है, उन यूनिवर्सिटीज़ में हम गए जहाँ जिन लोगों ने फ़ी हाइक के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस यात्रा में मिला, जहाँ पे सिर्फ फ़ी हाइक ही नहीं, सीट कट हो, फंड कट हो और नेट को साल में एक बार कर देना हो, जहाँ पे 15% को घटा कर नेट में आज सिर्फ 6% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है। ये हालात देश में सरकार ने आज शिक्षा के फील्ड में पैदा कर दिए हैं। हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी जनरल फुरकान कमर से बात की। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भारतीय विश्वविद्यालयों की प्रतिनिधि संस्था है। उन्होंने हाल ही में, फुरकान कमर साहब ने हाल ही में मौलाना आजाद मेमोरियल लेक्चर दिया, जिसमें उन्हीं का ये आंकड़ा है कि कभी भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं में 30% पद खाली मिलेंगे आपको, कभी भी चले जाइए, और राज्यों के विश्वविद्यालयों में 50%। लोगों को एडहॉक रखना एक पैटर्न है और इस पैटर्न की वजह से क्वालिटी के टीचर यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे छात्र 3-3 साल 4-4 साल गुजार कर बर्बाद हो रहे हैं। तो फुरकान कमर साहब यूनिवर्सिटी सिस्टम को समझने वाले अनुभवी व्यक्ति हैं, उनकी बातचीत जो सुशील महापात्रा से हुई है वो आप सुनिए।
हमने जो सीरीज दिखाया इसे कई ऐसे आपने देखे होंगे आडक टीचर जो देश भर में काम करते हैं उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, उनके साथ काफ़ी सारे समस्याएं हैं, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है, ऐसा क्यों है कि हमने इनका जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर पाते हैं? देखिए, टीचर्स के बारे में मुझे दो तीन बातें कहनी हैं। पहली बात तो ये कि टीचर्स की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है। एक तरफ हमारे पास यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और उस अनुपात में हमारे टीचर्स की संख्या कम होती जा रही है, और इस गैप को पूरा करने के लिए एडहॉक, टेम्प्रेरी, कॉन्ट्रैक्चुअल, गेस्ट, पार्ट टाइम टीचर्स लगाए गए हैं, और इसकी वजह से दो तीन समस्याएं पैदा होती हैं। पहली समस्या तो ये जो आपने अपने चैनल्स पे दिखाई कि ये जो एडहॉक और गेस्ट टीचर्स हैं इनको पेमेंट बहुत कम मिलता है, ये अपने इनका एक्सप्लॉयटेशन एक तरीके से होता है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जिस समय गेस्ट एडहॉक टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं उस समय बहुत सारे ब्राइट्स एंड ब्रिलियंट्स लोग जिनको के टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहिए वो नहीं आ पाते हैं, तो हमारी मेरिट कहीं पर कंप्रोमाइज़ होती है। होना ये चाहिए देश में कि टीचर स्टूडेंट्स का एक नॉर्म बने, जो किसी हद तक हम लोगों को मालूम है। आपके अपने चैनल में ही उस दिन प्रोफेसर तरीन बता रहे थे कि वो नॉर्म क्या है, उस नॉर्म के हिसाब से टीचर्स की नियुक्तियाँ प्रॉपर तरीके से फुल टाइम रेगुलर बेसिस पर कैंपसेस में होनी चाहिए। कोई इतना सुविधा क्यों नहीं देते कि वो सही ढंग से रह सके? देखिए, उसके लिए आपको ये कारण समझना पड़ेगा कि ये एडहॉक और इस तरह के टीचर्स क्यों हैं, गेस्ट और पार्ट टाइम टीचर्स क्यों हैं। गालबन हमारे जो सिलेक्शन के जो प्रोसेसेस हैं वो इस तरह के हैं, और जो हमारा जो फंडिंग कंस्ट्रेंट्स है, जो यूनिवर्सिटियाँ जो हैं कम खर्च में ज़्यादा देने की जो कोशिश कर रही हैं उसमें ये है कि आप फुल टाइम रेगुलर टीचर आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। आप जो इशू रेज कर रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी का और उनको पूरी तनख्वाह देने का, वो इशू अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू से ही, डे वन से ही, सारी वैकेंट पोजीशन के अगेंस्ट टीचर्स का अपॉइंटमेंट रेगुलर फुल टाइम बेसिस पर किया जाए। उसके लिए यूनिवर्सिटियों की वित्तीय दशा भी सुधारनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी हो और इसके साथ साथ जो कॉलेज, अलग अलग कॉलेज अलग अलग जगह पर देश भर में आपने देखा होगा, उसमें टीचर्स भी नहीं है और कॉलेज की कंडीशन बहुत ख़राब है, लाइब्रेरी नहीं है, लैब नहीं है, कई तो ऐसा कॉलेज है जहाँ पर बच्चे पढ़ने भी नहीं आते, झारखंड हमने दिखाया, और कई ऐसा कॉलेज ऐसा भी है जहाँ पर सिर्फ एक दो टीचर से पूरी कॉलेज चल रहे हैं। देखिए, AIU हर साल कोई 6 कॉन्फ्रेंसेस करती है वाइस चांसलर की, और लगभग हर कॉन्फ्रेंस में हर साल इन समस्याओं पर विचार होता है। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि बुनियादी तौर पे तीन बातें हैं। एक तो ये है कि फंडिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, और इसके सिलसिले में हम लोगों का ये कहना है कि एक प्रति विद्यार्थी एक नॉर्म तय हो जाए कि इतना पैसा मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आप $168,000 वाला नियम तय करें, जो कि हमारे लिए अभी संभव नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि एक सिद्धांत रूप में ये तय हो कि प्रति विद्यार्थी सरकार की का अनुदान इतना होगा। तो आपको अब लगता है कि एसोसिएशन की तरफ से आपके पास अब एक मौका है कि आप इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए और चाहे वो HRD मिनिस्ट्री हो, चाहे वो सरकार हो, उस पर दबाव डाले कि इस समस्याओं की जो समाधान है बहुत जल्दी हो? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये हम सब लोगों का दायित्व है, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम अपनी डेमोग्राफी को माइंड में रखते हुए एजुकेशन पर, हायर एजुकेशन पर, तीन चीज़ों पर हमें एक साथ फोकस करना होगा, अलग अलग नहीं। एक तो ये कि अभी भी हमें अपनी शिक्षा में विस्तार की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोगों को उच्च शिक्षा चाहिए उसके लिए हमारे पास संस्थाएं तैयार होनी चाहिए, हमें बिल्कुल दबाव बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि शिक्षा कुछ लोगों के लिए हो, ऐसा भारतवर्ष में नहीं चलेगा, क्योंकि शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, तो समाज के हर वर्ग के लिए और हर इनकम ग्रुप के लिए और हर सोशल ग्रुप के लिए होनी चाहिए। सरकार का अक्सर ये मानना होता है कि साहब जो साइज ऑफ द फंड्स अवेलेबल विद द गवर्नमेंट वो लिमिटेड है, और अगर वो लिमिटेड है तो हम कैसे उसको दें। लेकिन 6% का तो कमिटमेंट 1968 से चला आ रहा है, अभी भी हम लोग कोई
3.8% के आसपास पहुंचे हैं। हिंदी के वरिष्ठ कवि कुंवर नारायण नहीं रहे, वे 90 साल के थे, 4 जुलाई से कोमा में थे, इसलिए यह नहीं कह सकते कि उनकी मृत्यु शोक का विषय है। सिर्फ इस तर्क से नहीं कि उन्होंने एक भरी पूरी उम्र जी ली थी, बीमार थे और इसलिए उन्हें चले जाना चाहिए था, इसलिए भी कि एक कवि के तौर पर कुंवर नारायण जीवन और मृत्यु का खेल समझते थे। हम सब समझते हैं, लेकिन उसकी सारहीनता को मानने से डरते हैं। सारहीनता को वो कविता में असारता कहते हैं, असारता। उनकी ये पंक्तियां देखिए, अपनी मशहूर कविता आत्मजयी में वे लिखते हैं कि अपनी असारता पर कुछ इस तरह आश्चर्य किया मानो जीवन मृत्यु से पहले का बवाल हो, मरी हुई चीजों में समाकर केवल आत्मा के निकल जाने का सवाल हो। जिंदगी और मौत को लेकर यह लगभग सूफी बयान है। कुंवर नारायण के भीतर यह सूफियाना रंग कई तरह से आता है। वे भारत के इतिहास और पुराणों तक जाते हैं। नचिकेता की कहानी उनको आकर्षित करती है। नचिकेता सवाल पूछता था, यमराज के सामने खड़ा था। कुंवर नारायण भी जैसे जीवन भर जीवन और मृत्यु का सवाल पूछते रहे, लेकिन बहुत सावधानी से, किसी धार्मिक या श्रद्धालु भाव से नहीं, बस इंसान होने की फितरत दिखाते हुए। आत्मजयी में ही उनका नचिकेता कहता है, मेरे उपकार मेरे नैवेद्य समृद्धियों को छूते हुए अर्पित होते रहे जिस ईश्वर को, वह यदि अस्पष्ट भी हो तो ये प्रार्थनाएं सच्ची हैं। इन्हें अपनी पवित्रताओं से ठुकराना मत, चुपचाप विसर्जित हो जाने देना समय पर, सूर्य पर। यह मत समझिए कि कुंवर नारायण सिर्फ दार्शनिक ढंग से लिखते थे, वे कई बार बिल्कुल राजनीतिक कवि नजर आते हैं। 1992 में वे राम से कहते हैं कि अयोध्या अयोध्या नहीं रही, योद्धाओं की लंका हो चुकी है। वे त्रेता युग में लौट आए, जब सब तरफ नफरत की राजनीति चल रही है, तो वे लिखते हैं कि उनकी नफरत करने की ताकत कम होती जा रही है। वे 2200 साल राज करने वाले अंग्रेजों से नफरत करना चाहते हैं तो शेक्सपियर चले आते हैं, जिनके उन पर बहुत सारे एहसान हैं। वे मुसलमानों से नफरत करने निकलते हैं तो मिर्जा गालिब रास्ता रोक लेते हैं। वे सिखों से नफरत करना चाहते हैं तो गुरु नानक का ख्याल आ जाता है। कुंवर नारायण लिखते हैं कि वे नफरत करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर कोई मिल जाता है जिससे बहुत प्रेम हो जाता है, यही प्रेम उनको स्वर्ग तक ले जाएगा। कुंवर नारायण लखनऊ के थे, साइंस में इंटर किया, अंग्रेजी में MA, बहुत बड़े घर के थे। उनके परिवार का कारोबार कारों का कारोबार था, लेकिन अपनी इस अमीरी को उन्होंने कभी ओढ़ा नहीं, कभी कविता तक नहीं आने दी। वे अभिजात थे, लेकिन इससे किसी को आतंकित नहीं किया, खुद सकुचाए रहते थे, क्योंकि उन्हें कविता की कीमत मालूम थी, जीवन के खेल मालूम थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, चक्रव्यूह, परिवेश, आमने सामने, इन दिनों कोई दूसरा नहीं, ये सब उनके काव्य संग्रहों के नाम हैं। आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने और कुमार जीव में वे इतिहास और मिथकों तक जाते हैं, उनको बिल्कुल नए और आज के अर्थ देते हैं। ये उनका बड़प्पन है। वे सिनेमा के भी बहुत बड़े जानकार थे, संगीत के भी। उन्हें सम्मान भी बहुत मिले, साहित्य अकादमी, प्रेमचंद पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आशान सम्मान, ज्ञानपीठ, यह सूची बहुत लंबी है। उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया, लेकिन किसी कवि की महानता को उसके सम्मानों से परखते हुए मुझे संकोच होता है। मैं चाहता हूं आप उनको उनकी कविताओं के जरिए याद रखें, देखें कि जिस समय पूरी दुनिया पैसे और ताकत के पीछे भाग रही है, तब हिंदी का एक कवि अपने मामूलीपन की आभा से लैस बहुत सारे लोगों के लिए रोशनी का काम कर रहा था। कुंवर नारायण में जीवन और कविता की गरिमा दिखाई पड़ती है। हिंदी की दुनिया उनको याद रखेगी, उनकी कविताओं में अपने लिए मानी मतलब खोजती रहेगी और चौंक जाएगी कि एक कवि इस दौर में भी किस तरह की जादुई बातें कर रहा था। उन जैसा कवि ही कह सकता है, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अब उनकी कविताएं। प्रस्थान के बाद दीवार पर टंगी घड़ी कहती, उठो अब वक्त आ गया है। कोने में खड़ी छड़ी कहती, चलो अब बहुत दूर जाना है। पैताने रखे जूते पांव छूते, पहन लो हमें, रास्ता उबड़ खाबड़ है। सन्नाटा कहता, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यादें कहती, भूल जाओ हमें, अब हमारा कोई ठिकाना नहीं। सिरहाने खड़ा अंधेरे का लबादा कहता,
ओढ़ लो मुझे, बाहर बर्फ पड़ रही और हमें मुंह अंधेरे ही निकल जाना है। एक बीमार बिस्तर से उठे बिना ही घर से बाहर चला जाता, बाकी बची दुनिया उसके बाद का आयोजन है। वो इतने एनलाइटेंड थे, एनलाइटेंड दिमाग के एक ऐसे महामानव कह सकते हैं, क्योंकि उनका ह्यूमनिज्म अपने आप में एक ज़बरदस्त ज़मीन थी जिस पर वो रचना करते थे। मुझको नहीं लगता कि उनकी तरह का कोई कवि अभी बचा हुआ है, और इनका जाना हम सबों के लिए, जो लोग भी लिखते पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनसे न सिर्फ हमने सांस्कृतिक आचरण सीखा और एक खास तरह का मानवतावादी व्यवहार, बल्कि किस तरह से आडंबर रहित भाषा लिखी जाती है, किस तरह से जीवन की गहरी बातों को बड़े सादा और सच्चे अल्फाज में बयान किया जा सकता है, ये हमने कुंवर जी से सीखा। एक बहुत बड़े मनुष्य का, एक बहुत बड़े इंसान का, और सच कहिए तो अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं रियल जेंटलमैन, वो हमारे बीच से चला गया है। मैं नहीं समझता कि वैसा आदमी दोबारा हम अपनी ज़िंदगी में देखें। अब की बार लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूछे नहीं, जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर ना देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की बार लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा। घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं, अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा। अब की अगर लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। इसलिए कुंवर नारायण का न होना इस समय हमारी जो हमारा जो समय है, जिसमें परंपरा की इतनी दुर्व्याख्याएं हो रही हैं, आधुनिकता के नाम पर इतने प्रपंच हो रहे हैं, और कविता भाषा साहित्य की जगह इतनी घटाई जा रही है, उसमें उन जैसे शांत सम्यक बुद्धि सभ्यता समीक्षक साहित्यकार का न होना सिर्फ साहित्य की नहीं व्यापक भारतीय सभ्यता की भी क्षति। हेरा, जीवन एक कटु यथार्थ है और तुम एक महाकाव्य, तुम्हारे बस की नहीं उस अविवेक पर विजय जिसके 10-20 नहीं, अब लाखों सर लाखों हाथ हैं और विभीषण भी अब न जाने किसके साथ है, इससे बड़ा क्या हो सकता है हमारा दुर्भाग्य। एक विवादित स्थल में सिमट कर रह गया तुम्हारा साम्राज्य, अयोध्या इस समय तुम्हारी अयोध्या नहीं योद्धाओं की लंका है, मानस तुम्हारा चरित्र नहीं चुनाव का डंका है। हेरा, कहां यह समय, कहां तुम्हारा त्रेतायु, कहां तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, कहां ये नेतायु। सविनय निवेदन है कि प्रभु लौट जाओ, किसी पुराण किसी धर्म ग्रंथ में सकुशल सपत्निक अब के जंगल वो जंगल नहीं जिनमें घूमा करते थे वाल्मीकि। और अब छत्तीसगढ़ में रायपुर के सरकारी अस्पताल से खबर, जहां राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे की पत्नी की डिलीवरी हुई। 11 नवंबर को उन्होंने एक बिटिया को जन्म दिया, हमारी तरफ से बधाई। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की बड़ी वाहवाही हुई कि कैसे एक आम आदमी की तरह उन्होंने सरकारी अस्पताल का ही इस्तेमाल किया, लेकिन सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री की बहू के लिए सरकारी अस्पताल में खासा इंतजाम किए गए, उन्हें वीआईपी की तरह रखा गया, यहां तक कि अस्पताल के बीमार डॉक्टरों के लिए
तह कमरे को पुलिस कंट्रोल रूम में तब्दील कर दिया गया, जबकि उसी समय अस्पताल में सामान्य और गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं को बिस्तर साझा करने पड़ रहे थे। एक बिस्तर पर दो महिलाएं गर्भवती महिलाएं, तीन गर्भवती महिलाएं, क्योंकि अस्पताल में बेड खाली नहीं थे। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। सब चले गए पूरी कोर्ट। ये पुलिसकर्मी पूरी रफ्तार में है, इसने कोई गलती नहीं की, बस हमारे सवालों से बचने की कोशिश है। एनडीटीवी पर खबर चलने के बाद किले में तब्दील रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल को फौरन खाली कराया गया ताकि कहीं कोई सुराग बाकी न रहे। सीएम साहब क्या है कि जो बहू थी, चार पाँच दिन तो क्या हो गया था, तो यहीं पे सब लोग थे। कहाँ पे? वो अंदर वाला रूम। रूम के अंदर तो ये गार्ड और सर कहाँ पे लगे थे? गार्ड पूरे गार्ड। कितने गार्ड रहे होंगे? उन्होंने अंदाज हम लोग उधर रोटी में है ना, अंदाज छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक इस अस्पताल में मुख्यमंत्री रमन सिंह दादा बने। उनकी बहू ऐश्वर्या ने अस्पताल की दूसरी मंजिल पर बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वहां सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े कर दिए गए कि आम आदमी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। एक बिस्तर पर दो दो प्रसूताओं को सोना पड़ा। अस्पताल के वार्ड नंबर 3 में दुर्गा समरीन भर्ती थी, एक बिस्तर साझा करती थी। लिस्ट में आरती खेज, खोनीबाई, निशा परवीन, चंदा वर्मा, क्रांति चौहान, दुर्गा संघारे जैसी कई महिलाएं थीं। किसी को बिस्तर मिला, किसी को सिर्फ फर्श। जिनके बच्चों ने जन्म लिया उन्हें संक्रमण का खतरा था, उनकी भी हालत ऐसी ही। कितने लोग सो रहे हैं बिस्तर में? दो जन सो रहे हैं, तकलीफ हो रहा है। तो आप लोग बताए नहीं क्या सर लोगों को? क्या किसी पे और लाल रख दे रहे हैं? एक बिस्तर में कितने लोग सो रहे हो आप? दो जन। तो आप लोग बोले नहीं? मरीजों के तीमारदार परेशान रहे, लेकिन उनके पास उपाय नहीं था। ऑपरेशन वाले मरीज हैं, उसके बाद भी उनको ना एक एक बेड में दो दो जने को रखे गए हैं, जगह नहीं है। इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी उनको वो नहीं है। हाँ। किसी की भी जान से खेल रहे हैं चाहिए। कल भी परसों भी रखे हैं ना, एक हफ्ता हो गया समझ जा, एक हफ्ता हो गया। अस्पताल प्रशासन मानता है कमी है, लेकिन उसे गर्व भी है कि मुख्यमंत्री ने इस अस्पताल को चुना। सासू का स्पेस है, आज किस तारीख में 1200 मरीज भर्ती है, तो और स्पेस की बहुत कमी है। नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो ये मैं इसको स्वीकारता हूँ, इतराजी है, हम इसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आम मरीज नहीं, वीवीआईपी व्यवस्था में डॉक्टर भी पिसे। मेडिकल कॉलेज के 25 से 30 छात्रों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिसमें से 10 को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई। नियमों से उन्हें कमरा मिलना था, लेकिन वहां पुलिस ने कथित तौर पर कंट्रोल रूम बना डाला। तो जब आए तो हम वहां जगह तो थी नहीं, वहां ड्यूटी रूम में, फीमेल ड्यूटी रूम में रात काटे। फिर सुबह जब हम यहां, हमको एडमिट करने के लिए इधर लाया गया, तो जो डॉक्टर्स के लिए जो सीक रूम बनाया गया है, जो कायदे से हमारे अंडर में होना चाहिए था, हमको मिलना चाहिए था, उसको इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम बना के रख दिया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक इस अस्पताल में सिर्फ ओपीडी में रोजाना 2600 मरीज आते हैं, जिनकी सेवा के लिए 150 सीनियर डॉक्टर, 270 जूनियर डॉक्टर, 350 नर्सिंग स्टाफ है, जो रोज अस्पताल आने वाले हजारों मरीजों के लिए नाकाफी साबित होते हैं। बावजूद इसके राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गौरवान्वित हैं, लोगों की तकलीफ के सवाल को मीडिया ट्रायल मानते हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी अपने बहू की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में करते करवाते हैं, और मुख्यमंत्री जी यदि जाए तो 4 सुरक्षा कर्मी जाएंगे, तो वीआईपी कल्चर नहीं होता। अस्पताल में जो घटनाएं होती हैं उसको किसी से जोड़कर कभी नहीं देखा जाना चाहिए, और ये मीडिया ट्रायल के विषय नहीं है, निहायत व्यक्तिगत विषय, हर बात में कारण नहीं खोजा जाना चाहिए। विपक्षी कांग्रेस को लगता है सरकार असंवेदनशील है। वीआईपी ट्रीटमेंट के नाम पे एक पूरी बिल्डिंग को छावनी बना दिया गया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के परिवार में नए सदस्य हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ये सुविधा जो औरों को भी मिलनी चाहिए, जो वीआईपी ट्रीटमेंट उनके परिवार को मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी के परिवार को, तो आम जनता जो उनको जितवा के ला रही है, जो उनको तीन तीन बार यहाँ पर सरकार बना रही है, ऐसा उनके साथ क्यों बेरुखी कि एक एक बिस्तर में दो दो महिलाओं को सुलाया जा रहा है। वैसे मंत्री जी जिस अस्पताल को प्रदेश का सबसे बेहतर अस्पताल बता रहे हैं, वहाँ अगस्त में ही ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 4 नवजातों की मौत हो गई थी। आम दिखने की चाहत में खास लोगों ने सरकारी अस्पताल में खास इंतजाम कर दिए, नुकसान आम आदमी का ही हुआ।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी जोड़ दी गई। लोगों को लगा फायदा होगा, लेकिन असल फायदा हुआ निजी अस्पतालों का। छत्तीसगढ़ में हर 1000 में से 64 नवजातों की मौत हो जाती है, लेकिन राष्ट्रीय शर्म के मुद्दों पर हम ये सोचकर खुश हो लेते हैं कि कोई खास आम बनने की कोशिश में जुटा है। रायपुर से सोमेश पटेल और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।